हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। माय नेम इज वीरेंद्र सिंह। आप लोग जुड़े हुए हैं ई लर्नम के साथ। नमस्कार, स्वागत है। सो होप कि आपको मजा आ रहा होगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ कि गेट और CSIR, अगर आप CSIR प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली गेट प्रिपेयर करें और कैसे चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि क्या है जो CSIR और गेट के एग्ज़ाम को अलग करता है। तो उन चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ कि CSIR एग्जामिनेशन इज मदर ऑफ ऑल लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, बट गेट इज नॉट लाइक द CSIR। ऑल्दो मेनी सिलेबस इज सेम फ्रॉम द CSIR, बट CSIR के जो क्वेश्चन पिकिंग टॉपिक्स होते हैं दोज आर डिफरेंट, एंड जो आपके गेट के पिकिंग टॉपिक्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। सिलेबस इज ऑलरेडी वास्ट। ऑल्दो बायोकेमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। बायोकेमिस्ट्री अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें कई सारे सब टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझने की कोशिश करें तो जब भी आपके CSIR पूछता है तो CSIR बेसिकली क्या पूछेगा, प्रोटीन डिग्रेडेशन या प्रोटीन फोल्डिंग से क्वेश्चन आएगा, या आपके वाइटामिन के कोएंजाइम से क्वेश्चन आते हैं, या रामाचंद्रन प्लॉट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं अमीनो एसिड या नॉर्मली इस तरीके के पार्ट में। लेकिन अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गेट आपके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर देगा। गेट में आपसे पूछ देगा कि कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। अगर पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर बात करें तो कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा किस पर्टिकुलर में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड है, किस में इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं ना, तो CSIR पॉइंट ऑफ व्यू CSIR डेप्थ में जाके चीज़ों को पूछता है, जबकि गेट जो होता है सुपरफिशली वाइड कॉन्सेप्ट को टच करता है। वाइड मतलब, अब अगर आप CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो CSIR पॉइंट ऑफ व्यू में जब पार्ट सी में जाएं या पार्ट बी में, इवन आप जिस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि किस चीज़ का फ्यूजन कराते हैं। वो एक्सपेरिमेंट पूरा बिल्डअप करेगा, उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इन द गेट अगर हाइब्रिडोमा पूछेगा तो पूछ देगा हाइब्रिडोमा किसके फ्यूजन से बनता है। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि जब गेट से पढ़ते हैं ना तो सुपरफिशली की पॉइंट्स को ध्यान दिया करें, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर जो होते हैं कन्फ्यूज कर जाते हैं। उनको लगता है कि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन पिकिंग सेम है, जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है या बनाया जाता है वो सेम है। सो इट्स अ वेरी लाइक, इसीलिए दोनों एग्जाम्स अलग होते हैं। अगर सब कुछ सेम होता तो दोनों एग्जाम अलग नहीं हो रहे होते। CSIR से आपको PhD में फेलोशिप मिलती, JRF मिलता है, आप उसके लिए फेलोशिप अवेल कर सकते हैं, वो एक फेलोशिप अवार्ड है। गेट एक फेलोशिप अवार्ड नहीं है, लेकिन गेट में क्या होता है कि आफ्टर क्वालिफाइंग द गेट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन वेरियस IITs फॉर द PhD। CSIR के थ्रू आप IIT, आपके CSIR लेबोरेटरीज, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक फेलोशिप अवार्ड होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके थ्रू आपको 31K पर मंथ मिलता है जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो। और गेट की बात करें तो गेट में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, लेकिन एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप ऐसे विल्ले हैं और आप सोचे IIT में अप्लाई करने के लिए, आपके पास CSIR भी नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत रेयरली लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसमें क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग चीज़ें। लेकिन अगर आप लिटरली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप गेट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं। कई ऐसे लोग जो गेट के थ्रू IIT में PhD करते हैं, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो कई सारे IITs में इंस्टीट्यूट फंडिंग होती है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप होते हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई भी करें, इंटरव्यू अच्छा करें, तो वो आपको ले लेते हैं और फिर अपनी तरफ से वो आपको फेलोशिप देते हैं, इंस्टीट्यूट फेलोशिप। तो गेट का ये भी फायदा है। गेट से सिर्फ MTech नहीं किया जा सकता, गेट से सिर्फ BTech भी किया जा सकता है, सॉरी, गेट से सिर्फ MTech नहीं किया जा सकता, गेट से PhD भी किया जा सकता है। BTech में है तो BTech के बाद MTech या PhD दोनों ऑप्ट कर सकते हैं, या अगर आप MSc में हैं तो आप PhD प्रेफर कर सकते हैं, MTech भी प्रेफर कर सकते हैं। तो MTech और PhD ये आपकी चॉइस होती है और आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। सो CSIR और गेट बस यही डिफरेंस होता है, CSIR आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है, गेट आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। CSIR पूरे इंस्टीट्यूट में, जो इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम CSIR लैब्स, जबकि गेट जो है वो सब में एलिजिबल नहीं होते, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ IITs के लिए, मतलब इन सब चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं।
और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आप लोग, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है जो सी एस आई आर के स्टूडेंट्स होते हैं वो इसलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार सी एस आई आर में ये सारी चीज़ें तो कॉमन है, ये चीज़ें कॉमन है, क्योंकि कई ऐसे लर्नर से ये भी परेशान हो रहे हैं कि नहीं सर का ये सिलेबस कॉमन है, वो सिलेबस कॉमन है। तो कॉमन ज़रूर है, लेकिन ये चीज़ है कि सी एस आई आर का जो बेसिक या जो चीज़ें होती है पूछने का, वो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत डिटेल्ड होता है। सी एस आई आर आस्क अबाउट डिटेल्ड एंड एनालिटिकल थिंग्स, एंड गेट जो होता है आपके बेसिक क्लैरिटी को पूछता है। क्या आपको क्लियर पता है हाइब्रिडोमा के बारे में? क्या आपको क्लियर पता है कि क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर? क्या आपको पता है फिनॉल रेड किस पीएच पे इंडिकेट करता है? ये चीज़ें पूछता है वो आपके बहुत एक्सपेरिमेंट चीज़ों को बिल्ड नहीं करेगा, वो आपके उस चीज़ को पूछेगा कि आपको क्या कोई चीज़ क्लियर कट पता है। और इसीलिए की पॉइंट्स पे फोकस करना गेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीएसआईआर एक समंदर है और गेट एक तरीके से नदी का काम करता है। आप समंदर पढ़ोगे तो नदी का काम, समंदर पी जाओगे तो नदी का काम जरूर हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। गेट अभी एक दो महीने में होने वाला है, ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 महीने बचे हुए हैं, 1.5 से 2 महीने, लगभग 2 महीने, ठीक है। अब इसमें अगर आप सोच रहे हो कि पूरा का पूरा सीएसआईआर के सिलेबस से पढ़ेंगे तो 2 महीना बहुत वो होता है कि एंजाइटी होने लगेगी, कई चीज़ें कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा सीएसआईआर इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल, मतलब ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत लेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। बट इन द गेट There are many numerical questions, बहुत सारे numerical aspects, जो calculation aspects होता है laboratory में जो calculate किए जाते हैं उन calculations को भी incorporate करता है गेट। तो बहुत सारे differences होते हैं, पहले तो level है और उसके बाद level कैसा question आ रहा है, उसके बाद syllabus जो होता है same जरूर होता है, लेकिन coverage कैसा करना है ये आपके ऊपर depend करता है कि depth है या आपको wide पढ़ना है। basics and wide for the gate, depth for the CSIR, analytical approach for the CSIR, numerical approach for the gate, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, CSIR perspective से पढ़ते रहेंगे, gate का question देखा तो डब्बे गुल। इसलिए एक बार जाके previous year question जरा सा देखना, चाहे आप लाइफ साइंस के या बायोटेक्नोलॉजी को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्या है। सो सीएसआईआर के सिलेबस जरूर सेम है, बट गेट के पर्सपेक्टिव से पढ़े उसको और गेट के चीजों के हिसाब से पढ़े, क्योंकि गेट में बहुत चीजें वाइड पूछी जाती है। जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा जो फोल्ड प्यूरिफिकेशन क्या होता है। फोल्ड प्यूरिफिकेशन के क्वेश्चन सीएसआईआर में शायद ही कभी आया हो, लेकिन गेट में आता रहता है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो होते हैं ये चीज़ें आती रहती है, तो जस्ट विजिट लाइक गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू विल गेट द थिंग्स। इसके अलावा अगर आप गेट क्रैक करना चाहते हैं तो ई लर्नर पे ऑलरेडी स्मार्ट कोर्स चल रहा है, 2 महीने में क्रैक करें गेट 2021 हमारे साथ। जुड़ जाइए elearnum.com पे वेबसाइट पे और ज्वाइन कर लीजिए हमारा स्मार्ट कोर्स फॉर एक्सेल और बीटी, या कंबाइंड जो भी आपने फॉर्म भरा हो उसी के अकॉर्डिंग हमारे कोर्स भी हैं। कॉस्ट इज नॉट सो मच, सो इट इज अफोर्डेबल। यू कैन विजिट द वेबसाइट एंड सी द कॉस्ट एंड ऑल एवरीथिंग। अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट। मैं हूं एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, मैं हूं एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट। सीएसआईआर को पाने में अब ना होगा लेट, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट, प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट। मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और एफिशिएंटली, जिससे आप क्रैक कर पाएंगे सीएसआईआर 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में, और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशन, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ, और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे, लेट्स क्रैक इट।